Bismillahir Rahmanir Rahim. We will start our lecture. I think all of you can hear me. But a kindly reply karein. Sabko awaaz aa rahi meri? Sabko awaaz aa rahi beta? Fine. हमने बात शुरू की थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग के ऊपर. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग पे हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आपने अभी तक क्या देखा है? व्हाट इज अ मार्जिनल कॉस्ट एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्ट? मार्जिनल का वर्ड तो आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा आई थिंक सो, यस. लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है जनाब? डिफरेंस आपने मुझे बता देना. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होता है, इन दोनों का आपने डिफरेंस मुझे क्लियर करना था. काइंडली सब लोग रिप्लाई करें मुझे. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, पढ़ा हुआ आपने इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल कॉस्ट किसे बोलते हैं? और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है एब्जॉर्प्शन का, तो उसमें हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन क्या होता है. तो सब लोग काइंडली मुझे रिप्लाई करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट. हरी अब क्विकली अच्छा, एक उमर ने रिप्लाई किया जनाब के अगर कोई हम एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए जो कॉस्ट इंक्रीज करते हैं वो मार्जिनल कॉस्ट है. ठीक है, यानी वी कैन से दैट द मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली द एडिशनल कॉस्ट. फाइन, बाकी सब लोग रिप्लाई करेंगे. मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में फर्क, मार्जिनल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ये भी बात ठीक है जनाब. जितनी भी एडिशनल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है. जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग की वर्किंग करते हैं तो हम यूनिट्स की जो वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो यूनिट्स को हम एट अ वेरिएबल कॉस्ट वैल्यू करते हैं. फाइन, बाकी सब लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होता है, सोल्यूशन चाहिए मुझे. Cost of single units also called marginal cost. Cost of single units. Single units की cost बेटा ये क्या जरूरी तो नहीं है. It can be absorption, it can be margin. Single unit की cost तो marginal भी हो सकती है, absorption भी हो सकती है. It's not necessary कि हमारे पास marginal ही होगी. This is not right answer. बाकी सब लोग स्क्रीन, बेटा मैंने आपके साथ स्क्रीन अभी शेयर की, सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है? ये आगे आगे मुझे 262 पेज निकाल रहे, आगे कर देंगे 262 पेज आ गए अभी. हाँ जी, सबको ये क्लियर हो रहा है यहां से. जी कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, कॉस्ट कैसे बिहेव होती है, ये हम डिस्कस करेंगे. अभी आप सब लोग को मैं थोड़ा आइडिया दूंगा बेसिक कॉस्ट कैसे बिहेव करती, फिर हम थोड़ा सा ऑफिस आएंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है. सब लोगों को बेटा स्क्रीन नजर आ रही है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन मैंशन किया हुआ, एक आंसर है सीवीपी एनालिसिस के अंदर, मैं इसको डिस्कस करता होता हूँ. तो यहां मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा था कि आपको आइडिया हो सके कॉस्ट बिहेव कैसे करती है, फिर हम वापिस आएंगे इसी मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर और क्लियर करेंगे यहाँ पे. इस एग्जाम्पल को जरा सब लोग थोड़ा सा एक जनरल गो थ्रू करें, जरा 2 से 3 मिनट लें इसको गो थ्रू करें. आई थिंक अच्छा, एक और चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था क्लास की टाइमिंग ना हम 8:30 कर लेते हैं यार. आई विल टॉक टू मैनेजमेंट की 8:30 करके बाकी जो क्लास है ना वो आधा घंटा आगे कर लें या कुछ कर दे. हमें ये टाइमिंग ऐसी दे दें कि हम 8:30 तक, मुझे पता मैं स्टार्ट हो ही जाता हूँ. 8:30 to 9:30 कैन बी बेटर. इसकी डिस्कशन तो पहले मैनेजमेंट के टाइम टेबल से करूंगा. एक बच्चा कह रहा है सर इवनिंग इज बेटर, यानी इवनिंग में मैं ये है कि इवनिंग बहुत लेट करूंगा इसमें, इवनिंग में 6-7 बजे फ्री नहीं होता और इवनिंग में बाहर कुछ छुट्टी भी हो जाया करेगी.
अच्छा फर्स्ट में ऐसी टाइमिंग चेंज है यार, अभी मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, अभी आपका कोई टाइम चेंज नहीं हो, अभी आप ऐसे कैसी इसी तरह से मॉर्निंग से चलेंगे। टाइम टेबल चेक करूंगा, फिर बताऊंगा आपको। अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कि यार 8:30 से लेके 9:30 मच बेटर। अगर ये टाइम आप रख लें ना, आपको सूट कर जाएगा, और 8:30 तक तो ये सिस्टम कनेक्ट हो ही जाता है। मीन जो सुबह स्टाफ 8 सुबह आया होता है, वो इतनी देर तक तो कनेक्ट करवा ही देगा। खैर टाइमिंग में भी पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करूंगा, फिर इसमें होगा। अगर किसी ने इवनिंग की टाइमिंग देखी है तो क्या टाइमिंग देखी है, उसमें क्या टाइम लिखा हुआ है? और बेटा बताओ मुझे क्या टाइम है इवनिंग का। अच्छा 6:30 to 7:30। अच्छा ये टाइम भी ठीक है, लेकिन मैं लेट हो सकता हूँ इसमें अक्सर ही। अगर मैं इसको 7:30 to 8:30 करवा दूं तो इसमें कोई मसला है किसी को? यानी ऐसा टाइम हो जो मुझे बताओ कि मैंने फ्री ऑफिस से हो ही जाना है। आई विल मस्ट फ्री। एक बच्चा कह रहा है 7:30 to 8:30 इज परफेक्ट। चलिए मैं करता हूँ बात मैनेजमेंट से, या तो मुझे सुबह मॉर्निंग का टाइम दे दें वो 8:30 to 9:30 का, या फिर इस तरह का कोई टाइम दें या 7:30। मुझे पता होगा मैंने ऑफिस से 7:30 तक फ्री हो ही जाना है। इन एनी केस आई विल बी फ्री, तो ताकि मैं आपको आराम से वो करवा सकूं, मेरा हर्ज नहीं हो। लेकिन इसमें भी हम कर लिया करेंगे, कभी मॉर्निंग में लाइक मैं एडजस्ट कर दिया करूंगा आपको, जब मेरी छुट्टियां आया करेंगी, सैटरडे लाइक आया करेगा तो मिड ऑफ द डे क्लास कर लिया करेंगे हम, तो कभी हम इवनिंग भी कर लिया करेंगे, तो सब चला लिया करेंगे हम, नो इश्यू। खैर अभी टाइमिंग पर भी डिस्कशन नहीं कर रहा। कुछ बच्चों को आज मैं समझ रहा हूँ, कुछ बच्चों को मॉर्निंग ज्यादा सूट करता है, वो सुबह सुबह उठते होंगे और चाहते होंगे यार सुबह अर्ली मॉर्निंग में लेक्चर दे दूं उनको, और बाकी सारा दिन वो स्टडी करते रहे, तैयारी करते रहे और बाकी एक्टिविटीज करें। कुछ लोगों को होता है यार सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, और बेहतर यह है कि हम रात लेट नाइट स्टडी करते हैं, सुबह आराम से उठे। एक बच्चा पूछे फर्स्ट मई को क्लास होगी? नहीं बेटे मेरा मेरा नहीं ख्याल, आई विल टॉक टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आपको बता देगी, लेकिन मेरा ख्याल है क्लास नहीं होगी क्योंकि सिस्टम सब कुछ ऑफ है, या कॉलेज ही ऑफ होगा, स्टूडियो ऑफ होगा, मैं आऊंगा कहां पे लेक्चर करूंगा, तो मेरा ख्याल क्लास नहीं होगी। अच्छा जी शायद इस एग्जांपल पे आते हैं, मैं थोड़ी सी बातें आपको कुछ बेसिक तले क्लियर कर लूं। इस एग्जांपल से आपको कॉस्ट का बिहेवियर आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको कॉस्ट का बिहेवियर एकदम समझ में आ गया ना, फिर आगे मसला नहीं होगा काफी। ये मैं वैसे सीबीपी के अंदर जाकर बताता हूँ, लेकिन मैंने फील किया कि यहाँ भी थोड़ा आपको बेसिक आइडिया दे दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कॉस्ट कैसे कैसे बिहेव करती है, कॉस्ट के बिहेवियर्स क्या क्या है। ये डिफरेंट कॉस्ट के बिहेवियर्स हैं, इसको जरा देखेंगे आप सब लोग। सबसे पहले ये आंसर है मैंने बनाया हुआ, इसमें क्या है कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नाम क्या अल्फा है, प्रोडक्ट के नाम है अल्फा। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसका नाम अल्फा है, उसकी सेलिंग प्राइस, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है 10 रुपीज है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या 6 रुपीज है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 10,000 है, और ये फिक्स कॉस्ट इन टोटल आपको दी हुई है, ठीक हो गया। अगर आप देखिए अगर हमारा एक्टिविटी लेवल 1000 यूनिट अगर हम बनाते हैं तो फिर स्टोरी क्या चलती है, फिर स्टोरी देख लें आप, एक यूनिट की प्राइस 10 है तो सेल हम 10 × 1000, तो सेल कितनी आ रही है मेरे पास 10,000 आ रही है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी 6 पर यूनिट है, तो 6 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, 6000 की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। अब थोड़ा मैं अभी आपको फॉर्मेट पढ़ाऊंगा, अभी हमने फॉर्मेट पढ़ना, मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मेट क्या थे। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा, चलो थोड़ा बेसिक आइडिया ले लें, फिर हम उसके बेसिक में आता हूं, चेंज करता हूं इसको, थोड़ा सा बेसिक आइडिया बस ले लें आप यहां। अच्छा अभी मैं मार्जिनल कॉस्टिंग की ये डिस्कशन है, बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने अभी आपको पढ़ाना है,
माइल कॉस्टिंग में होता है कि हम सेल लेते हैं, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है, फिर वहां से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा था। अभी मैं पूरा फॉर्मेट आपके साथ माइल कॉस्टिंग का डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था आपको थोड़ा आइडिया दे दिया जाए कि ये 1000 यूनिट्स हमारे पास है, 1000 यूनिट्स के लिए हमारे पास कितनी सेल आ रही है, ये 10000 की सेल आ रही है, ये 6000 की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, ये कंट्रीब्यूशन 4000 की मेरे पास आ रही है, ये फिक्स कॉस्ट 10000 है, और ये अब यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमारे पास यूनिट्स इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, हमारे यूनिट ज्यादा है या कम है, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स, एक ऐसी कॉस्ट जो द कॉस्ट दैट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, एक ऐसी कॉस्ट जो हमारे एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज नहीं होती वो फिक्स कॉस्ट है। यूनिट बेशक मैं 1000 बना रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट देखें यहाँ पे, यहाँ भी 10000 है, 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 ये हर जगह पे हमारे ये यूनिट ज्यादा हो या कम हो, हमारे जितने मर्जी, बट एवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी द फिक्स कॉस्ट, द कॉस्ट दैट नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल, फिक्स कॉस्ट में फिक्स ही रहना होता है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है दैट विल चेंज, 1000 पे ये 6000 यूनिट, अब 2000 पे ये 12000 है, 2500 पे ये 15000 है, 4000 पे ये 2400 है, 5000 पे ये हमारे पास 30000 है, जैसे जैसे हमारा एक्टिविटी लेवल चेंज होता जा रहा है, हमारे यूनिट चेंज होते जा रहे हैं, हमारी वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल भी साथ साथ क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज होती जा रही है। सो द कॉस्ट दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी लेवल इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारे एक्टिव लेवल के चेंज होने से चेंज हो रही होती है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट का नाम दे रहे होते हैं, कि एक ऐसी कॉस्ट जो हमारे एक्टिव लेवल के चेंज होने से चेंज होती है वो हमारे पास क्या होता है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहां से आप अगर आपको एक बेसिक सा आइडिया ले तो सेल्स हमारे पास इंक्रीज करती जा रही है जैसे यूनिट्स इंक्रीज करें, वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे हमारे यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करती जा रही है, कि अब कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज करी, फिक्स कॉस्ट वो सेम की सेम ही है हमारे पास। अगर हम पर यूनिट निकाले हैं, ये पर यूनिट का भी साथ में कॉलम बनाया है, अगर आप इसको भी साथ साथ देखें तो थोड़े से ग्राफ बनाए हैं बेसिकली, यानी सेल्स है हमारे पास अगर पर यूनिट देखेंगे एक यूनिट की सेलिंग प्राइस सेम है, व्हाट एवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी पर यूनिट सेलिंग प्राइस सेम रहती है, लेकिन जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज करेंगे इन टोटल की बात करें तो सेल हमारी इंक्रीज करती जा रही होती है, इट विल इंक्रीज एज द नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज द सेल विल इंक्रीज। अगर आप वैसे देख लें वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल तो इंक्रीज करती है, जैसे 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 यूनिट इंक्रीज करेंगे ये इंक्रीज करेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगी, पर यूनिट यहाँ पे सवाल में सिक्स है तो वो सिक्स ही रहेगी, व्हाट एवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट होती है इन टोटल इंक्रीज करती जा रही होती है। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कॉन्स्टेंट ही आएगी, लेकिन जैसे यूनिट इंक्रीज करेंगे कंट्रीब्यूशन इन टोटल इंक्रीज करेगी। फिक्स कॉस्ट ये मेन चीज है, फिक्स कॉस्ट इन टोटल तो कॉन्स्टेंट रहती है बट पर यूनिट की अगर मैं बात करूं जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज करेंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगी। कॉलेज का रेंट कितना है, सपोज 1,00,000 रेंट है, कितने बच्चे हैं, 100 बच्चा है, तो पर बच्चा अगर मैं निकालूं तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास अगर 1,00,000 रेंट है, 100 बच्चा है तो 1,000 का आएगा, लेकिन अगर यही बच्चा क्लास हमारे कॉलेज में 100 से 200 हो जाए तो ये 1,00,000 रेंट तो वही रहेगा, 1,00,000 को मैं जो 200 से डिवाइड करूंगा तो मेरी कॉस्ट यहाँ पे 500 रह जाएगी। जैसे जैसे यूनिट हमारे इंक्रीज करते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो होती है हमारे पास डिक्रीज करती जा रही होती है। अब आगे वो डिस्कशन की भी कि फिक्स कॉस्ट इन टोटल और इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सबसे पहले हम किस पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बनाता हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग भी जो आपने बच्चों ने कुछ बताया है बिल्कुल ठीक बताया कि मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशनल कॉस्ट। थोड़ा आइडिया पहले हल्का से एक आइडिया दे दूं फर्क क्या है यहाँ दोनों में, फर्क क्या है थोड़ा सा पहले फर्क डिफरेंस करने से आगे चलता हूं। फर्क क्या दोनों में, एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये क्या करता है फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करता है, एक है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये खाली वेरिएबल कॉस्ट लेता है, ये फिक्स कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं करता। यानी अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं वन यूनिट की, कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, मैं फाइंड क्या करना चाह रहा हूं, वन यूनिट कॉस्ट, मैं ये डिटरमिन करना चाहता हूं मेरे पास कि मेरे एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, सिंगल यूनिट की मैं कॉस्ट फाइंड करना चाहता हूं। अगर मैं अपने एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड करना चाहता हूं तो कैसे फाइंड करूंगा, हाँ जी बताएं जरा मुझे जल्दी जरा, वन यूनिट की मैं कॉस्ट फाइंड करना चाह रहा हूं तो कैसे फाइंड करेंगे हम,
मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या करेंगे हम, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम इसलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करेंगे, हम एक यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, कितने केजीज हैं, रेट पर केजी से मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज वो मल्टीप्लाई करके लाइक 5 आ गया, एक यूनिट के लिए डायरेक्ट लेबर कितनी सपोज वो 2 आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस चले है ही नहीं हमारे पास, एक यूनिट के लिए हमारे पास अब ओवरहेड कितने हैं, अब हमने ओवरहेड के लिए क्या निकाला होगा, ओ ए आर निकाला होगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उसको किसी एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करके हम एब्जॉर्ब करवा देंगे, यानी हमने ओ ए आर बनाया होगा, हम कहेंगे लाइक सर 5 पर मशीन आवर है, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 मशीन आवर लगते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 10, तो हमने फिक्स कॉस्ट को भी यहाँ पे क्या किया, एब्जॉर्ब करवा दिया, तो फिक्स कॉस्ट को भी यहाँ पे एब्जॉर्ब करवा दिया, हमने एड किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मैंने एड किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज 17। अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 17 आ रही है, लेकिन यही अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होती तो मैं डायरेक्ट मटेरियल लूंगा, बिल्कुल बेटा दिस इज 5, डायरेक्ट लेबर लूंगा मैं यहाँ पे दिस इज 2, अगर कोई वेरिएबल ओवरहेड होते यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कोई वेरिएबल ओवरहेड्स होते, अगर इफ कोई वेरिएबल ओवरहेड यहाँ एड 1 का किया होता तो ये क्या हो जाता, ये 18 हो जाता, तो वो वेरिएबल ओवरहेड्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है कि वेरिएबल ओवरहेड्स को मैंने यहाँ इंक्लूड कर लिया, लेकिन अगर कोई फिक्स ओवरहेड्स हैं तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, हम जस्ट क्या लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ले रहे होते हैं। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस, अकॉर्डिंग मेन डिफरेंस ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जब हम एक यूनिट की कॉस्ट फाइंड कर रहे होते हैं, या कॉस्टिंग की स्टेटमेंट भी बनाएंगे, या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे, या हम अपनी वैल्यूएशन करेंगे, एक यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे, तो एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जस्ट मार्जिनल कॉस्ट लेंगे, जस्ट एडिशनल कॉस्ट, जस्ट वेरिएबल कॉस्ट ले रहे होंगे, हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना डायरेक्ट मटीरियल लगाया जा रहा है, कितना डायरेक्ट लेबर लगाई जा रही है, कितना वेरिएबल ओवरहेड्स है हमारे पास, कितने हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट है, सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे वर्कआउट करके हम डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल यहाँ पे निकाल लेंगे, जब सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड्स, वो सारे के सारे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एडिशनल क्या चीज होती है, हम एब्जॉर्ब करवाते हैं, जितने भी हमारे पास फिक्स ओवरहेड्स होते हैं, वो एलोकेशन अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट करने के बाद हम एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, इंक्लूड कर रहे होते हैं, शामिल कर रहे होते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम एक यूनिट की जब कॉस्ट फाइंड करेंगे उसमें फिक्स ओवरहेड्स भी हम एब्जॉर्ब करवा लेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम फिक्स ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे, जस्ट वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, यानी मार्जिनल कॉस्ट लेंगे, इसलिए इसका नाम मार्जिनल कॉस्टिंग रखा गया है। इज इट क्लियर बेटा, दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको? हाँ जी, इसमें कोई मसला है बताइए, फिर मैं डिटेल में आऊंगा। एक बचे सवाल की सर वेरिएबल ओवरहेड कंसिडर करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड दोनों के अंदर आएंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी वेरिएबल जो कॉस्ट है वो सारी की सारी आएगी, चाहे वो वेरिएबल हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल ही है, वेरिएबल डायरेक्ट लेबर ही है, वेरिएबल हमारे पास ओवरहेड नहीं है, वेरिएबल जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी दोनों के अंदर शामिल की जाएगी। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स ओवरहेड होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन में तो फिक्स ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एब्जॉर्ब करवाएंगे, लेकिन हम मार्जिनल में इसको एब्जॉर्ब नहीं करवा रहे होंगे। हाँ जी, कोई मसला यहां तक? इज इट क्लियर डन? अच्छा, जरा आगे चलते हैं तो और मैं एक बेसिक फॉर्मूला बनाता हूँ। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले ना इसको डिस्कस कर लेते हैं यार, मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बच्चा पूछ रहा है सर इसका फायदा क्या है। अच्छा, फायदे में डिस्कस करते हैं बेटा, अभी थोड़ा मैं बता दूं, दुनिया में जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, आपने जो पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी आपकी इनकम स्टेटमेंट बन रही होती है, अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनती है। उसमें हम एक यूनिट की जब कॉस्ट निकालते हैं तो फुल कॉस्ट निकालते हैं, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट वैल्यूएशन भी बोलते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग जस्ट वेरिएबल कॉस्ट लेता है। तो जितने भी हम डिसीजन मेकिंग के अंदर हम बिजनेस के डिसीजन ले रहे होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट जब डिसीजन मेकिंग कर रही होती है तो उनको ऐसी रिपोर्ट चाहिए होती है जो उनके डिसीजन के अकॉर्डिंगली चेंज भी हो सकता हो। वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं करते, वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर ज्यादा डिसीजन नहीं लेते, उनको पता होता है कि फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होना, जो मुझे डिसीजन लेने आना, तो लिहाजा उनको डिसीजन लेने के लिए ऐसी कॉस्टिंग की स्टेटमेंट चाहिए होती है दैट शुड चेंज, तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज होती है। तो सिंपल इज दैट, जितनी भी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं, ये सब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज करके बनती हैं।
और जितनी भी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट अपनी डिस्कशन के लिए, अपने प्लानिंग के लिए, अपने अपने डिसीजंस के लिए रिपोर्ट्स बनवाती है मैनेजमेंट, वो सारी की सारी रिपोर्ट जो होती है वो मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो करके बनाई जा रही होती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा इंटरनल यूज के लिए हम बनाते हैं इसको, और एब्जॉर्प्शन हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमेशा एक्सटर्नल, नॉर्मली एक्सटर्नल यूज के लिए इसको बनाया जा रहा होता है। जी कोई और सवाल, किसी बच्चे का कोई और पहले सवाल क्लियर कर लो। इसे डांस कंटिन्यू करें। अच्छा जी, अच्छा मैं पहले क्विक से रिव्यू दूंगा आपको मार्जिन कॉस्टिंग क्या होता है। मार्जिन कॉस्टिंग में हम सबसे पहले लेते हैं सेल, जो दोनों के अंदर लेंगे टोटल सेल आ जाएगी मेरे पास। सेल में से मैं क्या माइनस करूंगा, सेल में से मैं माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, यू कह लें कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में माइनस कर। अब इसमें भी मैं डिटेल में जाऊंगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसमें प्रोडक्ट बनती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की भी सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, और जितने भी मेरे नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी मेरे पास नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसमें अगर कोई वेरिएबल कॉस्ट लगाई जा रही है तो वो वेरिएबल कॉस्ट भी मैं यहां से माइनस करूंगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट भी यहां से माइनस होगी और नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट भी यहां से माइनस करूंगा। प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द कंपनी, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट पूरी कंपनी में लगाई जा रही है, वो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट मैं यहां से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन सारी माइनस करेंगे, हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। यहां से माइनस करते हैं हम टोटल फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, टोटल फिक्स कॉस्ट जब मैं यहां से माइनस करूंगा तो देन मेरे पास क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट कह लिया, नेट प्रॉफिट कह लिया, नेट प्रॉफिट आ रहा होगा। मार्जिन कॉस्टिंग से कुछ ऐसी स्टेटमेंट बनी होती है, इससे पहले सेल लिया जाएगा, एक ब्रॉड कैटेगरी सेल होगी, उसमें सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, वेरिएबल कॉस्ट फुल जितने भी हमारे पास कंपनी के अंदर वेरिएबल कॉस्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, एक बच्चा सवाल पूछ रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मार्जिन कॉस्टिंग प्रॉफिट सेम होगा, सेम नहीं होगा बेटा, फर्क होगा, अभी बात करेंगे इसके ऊपर फर्क क्यों होगा। अच्छा जी, जरा आगे और इसी स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल पे हम देखते हैं, जरा थोड़ा डिटेल में। देखिए जरा यार, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं सेल, ये सेल आ जाए, सेल में से क्या माइनस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे ही है कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें आएंगी, एक मेरे पास आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री बोलें या ओपनिंग स्टॉक बोलें बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं किस पे वैल्यू करूंगा, जस्ट वेरिएबल कॉस्ट, उसको किस पे वैल्यू करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ओपनिंग इन्वेंट्री ले लेंगे। अब इस साल यानी इसके इस साल के दौरान कितनी हमने कॉस्ट इनकर की, वो भी सारी कॉस्ट लेंगे, यहां जितना भी हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल लगाया गया इसकी प्रोडक्शन करने के लिए, सारा का सारा डायरेक्ट लेबर लगाया गया वो सारे का सारा, कोई वेरिएबल ओवरहेड चाहिए वेरिएबल कोई प्रोडक्शन कॉस्ट लगाएगी, वेरिएबल ओवरहेड कह लें या वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें, वो भी सारी ऐड कर लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी हमें ऐड कर ली, ओपनिंग इन्वेंट्री ले ली, ये सारी ले ली। अब यहां से मैं माइनस करवा दूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहां से हम क्या करेंगे, इसको भी वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं यहां से क्या करूंगा, माइनस करा दूंगा, माइनस कराऊंगा तो मेरे पास यानी हम ओपनिंग स्टॉक लिया, डायरेक्ट मटेरियल लिया, डायरेक्ट लेबर लिया, वेरिएबल ओवरहेड लिए, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैंने यहां से वैल्यू करवा ली। ये अभी तक मैंने क्या किया है, ये अभी तक मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी वेरिएबल कॉस्ट ली है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट ले ली, अब जितने भी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी यहां पे लेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पे मेरे पास नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो कॉस्ट है, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, सेल डिपार्टमेंट हो सकता है, तो मैं लूंगा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेल्स डिपार्टमेंट है, वेरिएबल सेलिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट कह लें, वेरिएबल एडमिन डिपार्टमेंट कॉस्ट कह लें, वेरिएबल एडमिन कॉस्ट, अगर इसमें कोई वेरिएबल कोई कॉस्ट लगाई जा रही है तो वेरिएबल एडमिन कॉस्ट, और अल्टीमेटली मैं यहां क्या लिखूंगा, हम फाइंड करेंगे वेरिएबल, मैं यूं लिख देता हूं वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के अलावा उन सबकी वेरिएबल कॉस्ट, दैट कैन बी एडमिन, दैट कैन बी मार्केटिंग, दैट कैन बी जो भी हमारे पास नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सबकी कॉस्ट,
इन सबको हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे सबको हमने ऐड कर लिया। अब ये सब हम यहां से क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां पे मेरे पास आ रही थी, एक वैल्यू ये आ रही थी, इन सबको ऐड करके एक वैल्यू ये आ रही थी। अब सेल में से मैं इन सबको क्या कराऊं, मैं माइनस करवाऊंगा, इन सबको मैं सेल में से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। सेल में से इन सबको जब मैं माइनस करूंगा, देन वी विल हैव द कंट्रीब्यूशन, मेरे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बेटा आ जाएगा। इस कंट्रीब्यूशन में से मैं क्या माइनस करूंगा, पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट माइनस करने, फिर नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, यानी फिक्स जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसकी फिक्स कॉस्ट वो भी माइनस होगी यहां से बेटा, और हमारे पास जितने भी फिक्स कॉस्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे पास नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं उनकी अगर फिक्स कॉस्ट है तो वो भी हम यहां से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, देन वी हैव द नेट प्रॉफिट, हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा होगा। इन सिंपल इज दैट वी कैन से दैट हम क्या करेंगे यहां पे, हमने पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिया बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की भी वेरिएबल कॉस्ट हमने यहां से माइनस कराई, यानी ये क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, ये सेल ले रहा हूं मैं। अब सेल में से क्या माइनस करें, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में पहले मैंने क्या लिया, दिस इज व्हाट, ये मेरे पास खाली क्या है, ये एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वर्किंग होगी, सॉरी दिस इज कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक क्या है, ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक, ये दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी ओपनिंग स्टॉक को मैं किस पे वैल्यू कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू कर रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू कर रहा हूं, मैं वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू कर रहा हूं। तो ओपनिंग स्टॉक लिया, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स इसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिया, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स इसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई, फिर डायरेक्ट मटेरियल ऐड किया, डायरेक्ट लेबर ऐड किया, वेरिएबल ओवरहेड्स ऐड किए, और यहां से हमने क्लोजिंग स्टॉक को यहां से माइनस करवा दिया, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक को जब हमने वैल्यू करना है, किस पे वैल्यू करना है, वेरिएबल कॉस्ट पे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग चल रही है, और क्लोजिंग स्टॉक को भी हमने वेरिएबल कॉस्ट पे माइनस करना है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जितना भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड दिया जा रहा है, इन सबको भी हमने क्या किया, इन सबको भी हमने ऐड कर लिया, उसको सबको ऐड करवा दिया, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट ले ली हमने, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट जब हमने ले ली, उसके बाद पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है उनकी भी कॉस्ट को हम यहां से क्या कर रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया है नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये मैंने एक वर्किंग कर ली है ना, ये नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कि मैंने कहा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल एडमिन कॉस्ट, मैंने एक नाम ही लिख दिया कि वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन, जितने भी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यानी पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पूरी वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, फिर नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसकी भी वेरिएबल कॉस्ट माइनस, तो प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दोनों की वेरिएबल कॉस्ट हमने यहां से माइनस कर दी, तो हमारे पास अब आएगा देन वी हैव द कंट्रीब्यूशंस, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से आप क्या करेंगे, हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट कितनी है, नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट कितनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट हम यहां से माइनस कर देंगे, तो देन हमारे पास आएगा प्रॉफिट, तो हमारे पास ये फिर प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है, then we have the net profit, is it clear? यहां तक बेटा को मसला, फॉर्मेट में कोई मसला है? अच्छा मुझे बताए, मैं इसको लेके उसमें चलूंगी, अभी थोड़ा मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी थोड़ा डिस्कस करूंगा, फिर कंपैरिजन में पड़े, तो चलो पहले हम एक को देख लें, आई थिंक सो दिस इज मच बेटर, पहले हम एक को देख लें। एक बच्चे का सवाल है प्रॉफिट्स में डिफरेंस क्यों होता है, अभी बताऊंगा बेटा, हसन बेटा प्रॉफिट्स में फर्क बताऊंगा, पहले आप समझ तो ले ना। देखिए मैं अभी आपको बताता हूं, ओपनिंग यहां पे जितना भी स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, हम मार्जिनल कॉस्टिंग किस पे वैल्यू करें, वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू करें, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमारा जितना भी ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसको हम फुल प्रोडक्शन, उसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल की होती है, इसमें फिर स्टॉक की वैल्यू चेंज हो जाती है, जब स्टॉक की वैल्यू चेंज होती है स्टॉक की वैल्यू भी जब यहां से माइनस करवाते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट में फर्क आ जाता है, यानी व्हाई द डिफरेंस, व्हेयर देयर इज अ डिफरेंस, द डिफरेंस इज ड्यू टू द चेंज इन द स्टॉक वैल्यूएशंस, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जो स्टॉक वैल्यू किया होता है वो हमने फुल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी उसमें फिक्स कॉस्ट भी हमने एब्जॉर्ब की होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो हमने वैल्यू किया होता है उसमें हमने जस्ट वेरिएबल कॉस्ट ली होती है, तो अगर स्टॉक
में की क्वांटिटी में जब चेंज आता है तो उसकी वैल्यू पहले डिफरेंट होती है, इसकी वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा होता है। हाँ, स्टॉक में चेंज ना हो, जितनी पहले ऑफरिंग स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक की क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा, जितनी प्रोडक्शन करें सारी सेल कर रहे हैं तो सेल में से फिर हम सारी कॉस्ट ही माइनस कर रहे होते हैं, फिर प्रॉफिट में फर्क नहीं आता। तो बहरहाल अभी हम डिफरेंस पे बात करेंगे कि इसमें डिफरेंस क्यों आता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी स्टडी टैक्स में आपसे थोड़ा सा ज्ञान शेयर कर देता हूँ। चले स्टडी टैक्स पे आता हूँ, इसमें कुछ चीजें आपसे और क्लियर कर लेते हैं, चलो आपको और आइडिया भी हो जाएगा। देखिए माइल कॉस्टिंग क्या होती है, हमेशा ये सेल माने वेरिएबल कॉस्ट पर मैंने बात की। अब इसका एक थोड़ा सा एक हिंट कराया, फॉर्मेट टाइप बनाया मैं, ये देखिए चले इस फॉर्मेट को देखने चले आपको आइडिया हो जाएगा कि सबसे पहले हमने क्या लेना है यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या लेंगे यहाँ पे सेल लेंगे, सेल आ गया, सेल में से जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये भी हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट से माइनस करा दी, सेल में से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट भी माइनस करेंगे, देन वी विल हैव अ प्रॉफिट, हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा फिर 80,000 का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या, दिस इज अकॉर्डिंग टू द हमारे पास मार्जिन कॉस्टिंग चल रही है। चलिए इस एग्जांपल को देख लेंगे सब लोग, एग्जांपल को पढ़ने के लिए 2 मिनट भी दे रहा हूं आपको, सब लोग बच्चे कहते हैं टाइम नहीं मिलता है एग्जांपल पढ़ने के, ये एग्जांपल देखें, दो प्रोडक्ट हमारी ये ए और बी है, चलिए इसको देखें, एग्जांपल रीड आउट करें, हाँ जी, कंपनी दो प्रोडक्ट बनाती है ए और बी, ए की वेरिएबल कॉस्ट कितनी 6 है और सेलिंग प्राइस कितनी 10 है, और बी की वेरिएबल कॉस्ट कितनी 8 है, सेलिंग प्राइस कितनी 15 है, ड्यूरिंग द पीरियड कहते हैं 20,000 यूनिट्स ऑफ द ए के हमने 20,000 बनाए हैं और बी के हमने 30,000 बनाया, तो वेरी सिंपल यार, फिक्स कॉस्ट इन टोटली दी हुई, तो सिंपल ए की यूनिट्स को ए की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, 20,000 यूनिट्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और हमारे पास 20,000 यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर हमारे पास बी के कितने 30,000 यूनिट्स बन रहे हैं, इसको आप 30,000 यूनिट्स को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेल आ जाएगा, सेल में से माइनस करना आपने वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो ठीक है ये यूनिट्स हैं इसको वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें दोनों को अलग अलग, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है ही इन टोटल, तो इन टोटल है तो भाई टोटल दोनों को ऐड करके कंट्रीब्यूशन तो इकट्ठे आप आर एड कर सकते हैं, तो ये आपको दिया हुआ, उसने एक आइडिया दिया कि सेलिंग प्राइस एक यूनिट के लिए एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन आ, ये दूसरे भी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट के हमारे पास कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को उसके नंबर यूनिट से मल्टीप्लाई करवा के टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दिए, इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस की, देन वी विल हैव अ प्रॉफिट, देन यार ये बात समझ आती, तो मसला इसमें यार, इज देयर एनी इशू, बेटा इसमें कोई बस नो इशू सर, फाइन। अच्छा, अब क्विकली से जल्दी से देखिए, अब होता क्या, मैंने अभी जो बात आपके सामने की, बात ये की कि हम सबसे पहले सेल लेते हैं, आप क्या लेते हैं, हम सेल लेंगे, अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक माइल कॉस्टिंग ओपनिंग स्टॉक को किस पे वैल्यू करेंगे, एट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट खाली वैल्यू करना आपने, अब हमारे पास क्या आ रहा है इसके बाद, ये हमने ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू कर दिया, अब डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट ले रही है, डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, अब क्लोजिंग स्टॉक को भी किस पे वैल्यू किया, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू किया हुआ यहाँ पे, तो सेल में से ये हमारे पास ये खाली क्या है, दिस इज व्हाट, ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की खाली कॉस्ट आ गई, दिस इज ओनली वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट हम यहां से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रही है, यहां तक प्रोडक्शन की कॉस्ट है, अब इसके बाद नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी एक लिया हुआ, लाइक वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वो भी 18 वो भी आ गई, चले टोटल प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहां से माइनस करेंगे, देन वी हैव अ कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, इसमें से फिर बाकी जितने भी डिपार्टमेंट उसकी फिक्स कॉस्ट माइनस करें प्रॉफिट आ जाएगा। इस फॉर्मेट में क्यों मसला, सिर्फ स्टॉक को यहां से नई चीजें ऐड की, बाकी वही फॉर्मेट,
सेल लिया, ओपनिंग स्टॉक बाद याद रखने वाली कि हम मार्जिन कॉस्टिंग के अंदर ओपनिंग स्टॉक वैल्यू किस पे करेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वैल्यू करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किस पे करेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इस फॉर्मेट में कोई मसला बेटा, ये फॉर्मेट देख लिया आपने, अंडरस्टैंड? अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलते हैं हम, बेसिक पे मैं चाह रहा था यार इसको क्लियर कर दूंगा। अब यहां पे क्या है, हमारे पास वही वैल्यूज दी, वैल्यूज पुट करके हमने आंसर निकाला हुआ है। अब हम चल रहे हैं आगे, थोड़ा चलते हैं सिंगल यूनिट की बात की हुई, आगे डिस्कशन में क्या की उसने सिंगल यूनिट की बात की हुई है, दो मंथ हैं, टू मंथ हैं, स्टॉक की तरह उसने बात की हुई, दोनों मंथ के अकॉर्डिंग चला रहा है, वो क्या चला रहा है उसमें, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको 150 दी हुई, सिंपल डायरेक्ट मटीरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दी हुई है, हमारे पास हर चीज गिवन है, सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सब कुछ दिया हुआ है। यूनिट हमारे पास क्या प्लान करते हैं, कितने यूनिट बनाते हैं, 110,000 यूनिट बनाते हैं, ठीक हो गया। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी दी हुई आपको 1,10,000 इसकी कॉस्ट भी दी हुई, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है। पहले मंथ में क्या हुआ, हमने 2,000 की प्रोडक्शन की है, सेल कितनी की 1,500, तो कितना क्लोजिंग स्टॉक होगा, 500 का क्लोजिंग स्टॉक हुआ। पहले मंथ में क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 500 का क्लोजिंग स्टॉक था बेटा। अब वो जो पहले मंथ जुलाई के मंथ में 500 का क्लोजिंग स्टॉक था, वो अगस्त के मंथ का ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक 500 था, ओपनिंग स्टॉक 500 और प्रोडक्शन कितनी हुई 25 होगी, 25 और 500 3,000 हो गए, वो 3,000 मैंने सेल कर दी है। इस क्वेश्चन को तो पहले थोड़ा गो थ्रू कर लेना, पहले फेस पे डिस्कशन करते हैं जल्दी। एक बच्चा पूछ रहा कल क्लास है, कल क्लास नहीं है बेटा, कल क्लास नहीं है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से आपकी मैं भी क्लासेस प्लान करूंगा, 6 दिन कर दूंगा, मुझे वेट कर रहा था कि इस क्लास का बन जाए, तो ठीक है नेक्स्ट मंथ से मैं आपके 6 डेज प्रॉपर ऑफिशियल उसको कर दूंगा, और कोशिश एक और कोशिश भी करूंगा आपकी क्लास की टाइमिंग बढ़ा दीजिए, 1.5 आवर कर दीजिए, 1.5 घंटे में बहुत कुछ कवर हो जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन बेटा रीड आउट करें, क्वेश्चन रीड आउट करें, क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल, आपने क्या करना है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है हमारे पास, यहां ये आपको दिया हुआ है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कितनी है हमारे पास, दिस इज लिखा भी हुआ है कि मार्जिन कॉस्ट पर यूनिट यूज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन 70,000, एक यूनिट की वैल्यूएशन कितनी है 70, तो 70 पे हम इसको रख के चला देंगे, वेरी सिंपल। ये आपको दिया हुआ है सेल यूनिट दी है जुलाई के, कितने यूनिट सेल हुए 1500 यूनिट से, एक की प्राइस हमारे पास 150, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ओपनिंग स्टॉक यहां पे जुलाई में था ही नहीं, जीरो, निल था, जितनी हमने प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन की यूनिट्स लिए उसको हमने मल्टीप्लाई पर यूनिट से किया, तो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई सारी की सारी,
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, मसला ये सर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे करना है यहाँ पे। तो हमने यूनिट्स की प्रोडक्शन की थी यहाँ पे कितनी, हमने 2000 की प्रोडक्शन की, लेकिन सेल हमने खाली कितने की 1500, ये 2000 में से कितने सेल की हमने 1500 सेल की, 500 स्टॉक बच गए, वो 500 का स्टॉक यहाँ पे आ गया हमारे पास, वो 500 का स्टॉक यहाँ पे आ गया। वैल्यू किस पे करना है, वैल्यू मैं बता दिया था पहले, हमने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे करना है, हमें पीछे मैं बता रहा हूँ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी मेरे पास, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू करना था मैंने इसको, तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में 70 था, तो ठीक है 70 को यूज करते हुए मैंने चला दिया इसको यहाँ, तो 70 को मैंने यहाँ पुट किया, ये 70 आया, मल्टीप्लाई हमने 500 से किया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की जब भी वैल्यूएशन होगी मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस ये सारा प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सेल में से मैंने सारी कॉस्ट ये माइनस की, नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट कोई नहीं यहाँ पे है ही नहीं, तो हमने माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही है, 110 माइनस किया प्रॉफिट आ गया। अच्छा ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे कितना है बेटा, 35,000 है, इस मंथ का क्लोजिंग है, नेक्स्ट मंथ का ये क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग हो जाएगा, तो यहाँ से क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ में चला गया, नेक्स्ट मंथ का जाके ओपनिंग बन गया, तो यहाँ 35,000 यहाँ हमने क्लोजिंग स्टॉक वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू किया था, मार्जिनल कॉस्ट पे वैल्यू किया था, इसको वेरिएबल कॉस्ट में वैल्यू किया था, इसकी क्लोजिंग है, नेक्स्ट का ये ओपनिंग है, फिर उसी तरह नेक्स्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट मटीरियल लेबर ओवरहेड सारा लिया हमने, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, सेल में से सारी कॉस्ट माइनस की, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन देन प्रॉफिट आ गया। क्यों भी इसके सोल्यूशन में कोई मसला बचे, किसी को कोई मसला यहां तक, मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक को जब भी वैल्यू करना है किस पे वैल्यू करना है हमने, एट वेरिएबल कॉस्ट, एट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वी विल वैल्यू दिस कॉस्ट स्टॉक। यहां तक कोई इश्यू बेटा, इज इट डन, आगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शुरू हो गई है, तो चलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग हमने कर ली है, यहां तक काफी डिस्कशन कर ली, अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी करेंगे, थोड़ा सा ही होगा वो भी, तंगू लंबा चौड़ा नहीं, तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करके फिर मैं डिस्कशन और पास पेपर के सवालों पर आ जाऊंगा, क्वेश्चन बैंक पे आ जाऊंगा। आई थिंक फॉर टूडे दिस इज सफिशियंट, आज के लिए काफी है, ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह अभी क्लास बेटा इसी पैटर्न में चलेगी, सबको मैं अनाउंस कर रहा हूँ, अभी क्लास इसी पैटर्न में चलेगी, अनटिल अनलेस से आपको कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, आपको कोई एसएमएस नहीं आता, अभी क्लास में इसी पैटर्न में चलाऊंगा, नेक्स्ट वीक में और कोशिश करूंगा आपकी क्लास टाइमिंग बढ़ा दी जाए, और डेज तो मैंने फिक्स करने ही करने, क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट मंथ, तो अभी मैं इसको लेके चल रहा था, नहीं जी आज के लिए काफी है इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह अभी क्लास की टाइमिंग उसी 8 o'clock की, 8:30 नहीं बेटा 8 बजे ही है, अभी कुछ चेंज नहीं मैंने किया। हाँ जी क्लास आई थिंक 2 मई को होगी, 1 मई को तो छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो 2 मई से इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करें, सो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।